दोस्तों, मैं डॉक्टर त्रिपाठी और आज हम इस स्पेशल सीरीज और इस टाइप की स्पेशल सीरीज जो दो सीरीज हैं इनके सम्स फाइंड करना चाहते हैं। ये 888888 ये आपके एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन भी है, इसमें 777777 555555 इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे करने के लिए ये अभी पहले देखें क्या ये एपी है या फिर ये एक जीपी है। तो एपी तो नहीं दिख रही है क्योंकि 88 में से 8 माइनस करेंगे तो 80 आएगा और 888 में से 888 में से 88 यानी 88 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा आपके पास 800। तो इन दोनों का डिफरेंस 80 का है, इन दोनों का डिफरेंस 800 का। तो दिस इज नॉट व्हाट, दिस इज नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है। और ये क्या जीपी है? तो जीपी में बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे, 88 डिवाइडेड बाय 8 तो ये आपका आएगा 11। जब आप थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा आपके पास, तो आएगा 888 अपॉन 88 तो ये आएगा आपका 111 अपॉन 111। ये दोनों इक्वल नहीं है। कौन दोनों इक्वल नहीं है? T2 अपॉन T1 इज नॉट इक्वल टू व्हाट? T3 अपॉन T2। देयरफॉर दिस इज नॉट अ जीपी। तो ये जो गिवन सीरीज है इज नॉट अ जीपी, लेकिन इसको रिड्यूस करना है जीपी में, और जीपी में रिड्यूस होकर के इसका आंसर आएगा। एक पार्ट इसका जीपी बन जाएगा और एक सिंपल इसका सम निकलेगा। देखिए आप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 111111 अप टू व्हाट? तो अप टू एन टर्म्स लिख दीजिए, अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। अब एक और काम करें आप, 8 अपॉन 9 से डिवाइड कर दें और 9 से मल्टीप्लाई कर दें। 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू एन टर्म्स, ये ट्रिक है। हर एक में 9 से करना है, 555 हो, 777 हो, 666 हो, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9, ये 99, ये 999 ऐसा बन जाएगा। अब जो ये आपका लिखा हुआ है इसको लिख देंगे आप 8 बाय 9। इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो वो चेंज के लिए आप मेरे साथ रहेंगे, आप सब समझ लेंगे कि क्या चेंज है। 9 को लिखा मैंने 10 माइनस 1, जो फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट 9, और 99 को लिख दिया मैंने 100 माइनस 1, 999 को लिख दिया मैंने 1000 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं हम अप टू एन टर्म्स। अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो ये लिख दिया। अब इसमें आप देखिए इसको सेपरेट करेंगे, 10, 100, 1000 इसको सेपरेट कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8 बाय 9 ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट में लिखो 10, 100, 1000 अप टू एन टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो माइनस वन की जो टर्म है, ध्यान से देखिए, जिसमें डबल टिक है, ये डबल टिक 1 1 1 तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू व्हाट? अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। तो ये अब देखें कि अब ये इस सीरीज को कहाँ तक पहुँचा दिया हमने। तो अब एक इसको देखिए, 10 में अगर 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, 100 आएगा। फिर 100 में अगर आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1000 आएगा। फिर 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10000 आएगा, एंड सो ऑन। तो लाइकवाइज, तो ये वाली जो सीरीज है दोस्तों, ये एक जीपी में रिड्यूस हो गई, एक जीपी में बदल गई है। और जो दूसरी सीरीज है वो एक सिंपल सीरीज है और जिसका सम आपको बहुत आसानी से निकल आएगा, आप अपने मन से भी निकाल सकते हैं। देखिए 8 बाय 9 ब्रैकेट 10, 100, 1000
प्लस एंड सो ऑन अप टू एंड टर्म्स, अप टू एंड टर्म्स ब्रैकेट क्लोज माइनस वन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको एक रुपये 55 लोगों ने दिए, 55 पीपल हैव गिवन यू 1 रुपीज ईच, तो एक हर एक ने एक दिए तो आपके पास टोटल रुपए कितने होंगे 55। वैसे ही ये लिखा है 1 + 1 + हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स, देयर फोर इट इज़ वॉट, इट इज़ एन, एन ओनली, एन डायरेक्ट 1 + 1 + 1 अप टू एन टाइम्स 1n, एन 2 + 2 + 2 100 टाइम्स तो क्या होता है 2 × 100, 3 + 3 + 3 200 टाइम्स होगा तो 3 × 200, तो 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स। एन टर्म्स का मतलब वही है कि सीरीज एन टर्म तक जाएगी तो 1 1 1 टोटल होंगे एन, देयरफॉर इट्स सम इज एन। अब ये एक जीपी है, इस जीपी में देखो ए का वैल्यू क्या है, ए इज 10, फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन रेशियो इज व्हाट, तो कॉमन रेशियो इज T2/T1, T3/T2, ये आप करके देख लो, 100/10 आपका आएगा 10, 100/10 क्या आएगा 10, ये भी आपका क्या आएगा 1000/100, 10, तो R आपका हो गया 10। अब आपको जो सम का फॉर्मूला है, क्या है आपके सम का फॉर्मूला, आपको याद है SN=A(R^(n-1)R-1 when R is greater than what 1, तो इसलिए इसका सम हो जाएगा दोस्तों 8/9 ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में A, A इज 10 ब्रैकेट क्लोज R^(n), 10^(n-1), 10-1 माइनस n। अब एलसीएम ले लें आप अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 8/9 ब्रैकेट, ये देखिए 10-1 क्या है 9 है, 9 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9n और होल अपॉन क्या आ जाएगा 9। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और थोड़ा न्यूमरेटर ओपन कर देते हैं तो थोड़ी क्लेरिटी और आ जाएगी, अभी थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है तो वो और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। देखें ये हो जाएगा आपका 9×9=81, 8/81। अब आप 10 मल्टीप्लाई कर दें, 10^(1) क्या है 1, तो ये हो जाएगा 10^(n+1), पावर ऐड हो जाएगी जब ये मल्टीप्लाई होगा तो, -10 − 9n/81 तो लिख ही दिया तो फिर यहाँ लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 8/81 10^(n+1) −9n − 10। अब इसके जैसा ही एक सम आप और कर सकते हो, आप मैं आपको असाइन करता हूँ होमवर्क जो आप घर पे खुद कर सकते हो, 555 555 अप टू अगर मान लीजिए आपको अप टू एन टर्म्स दिया तो यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ एक जैसा आएगा, यहाँ पर 8 की जगह क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन अप टू मान लो कभी आपको 30 टर्म्स दिया तो पूरा वैसा ही लिखना है आपको, आपका आंसर हो जाएगा 5/81 ब्रैकेट 10^(30+1), यहाँ आ जाएगा 30+1 माइनस, देखिए 9×30 तो 9×30 270 और 270 तो ये हो जाएगा −280। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, कोई ऐसा जादू जैसी चीज़ नहीं है, वैसे ही लिखता है आपको, जहाँ जहाँ आप लिखते थे अप टू एन टर्म्स तो अब अप टू एन टर्म्स की जगह लिख देना अप टू 30 टर्म्स, तो ये इसका सम आ जाएगा और ऐसा आप ट्राई कर सकते हो। और अप टू एन टर्म्स होगा तो फिर आपको यहाँ एन एन लिखना है और यहाँ 8 की जगह 5, बाकी कोई चेंज उसमें करना ही नहीं। अब दोस्तों देखिए जो 0.6 वाला जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे भी फोकस करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना, तो उसको समझते हैं। ये आपको समझ में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आ गया होगा
और एक क्वेश्चन आप अगर खुद प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप भूलेंगे भी नहीं। और मेरी बेस्ट विशेष है, आप अच्छे से करें, आप अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए 0.6 इसको सॉल्व करते हैं। 0.6 के लिए क्या करेंगे आप, तो 0.6 का प्रोसीजर शुरू में तो वैसा ही है, तो देखें क्या लिख सकते हैं अपन 0.6 को। और चैनल दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अप टू एन टर्म्स, तो सबसे पहले 6 कॉमन ले लें। अगर आपने 6 कॉमन लिया, 0.1, 0.11, 0.,, अब इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी, अप टू एन टर्म्स। आ गया आपके पास। अब ये क्या होगा आपका 6, 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल करना है, तो इसको लिखेंगे 0.9, 0.99, 0.999 प्लस अप टू एन टर्म्स। अब एक बात सुनो, अब आप इसको 10-1 नहीं लिख सकते हैं, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखना आप, इसको लिख सकते हैं 1-0.1, जैसे हमने पिछली बार किया था उसी से मिलता जुलता है। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1-, अभी ये जीपी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ जीपी, यू कैन चेक एट योर सेल्फ। ये इसको लिख दें 1-0.01, इसको लिख देंगे 1-0.001 एंड सो ऑन अप टू व्हाट, अप टू एन टर्म्स। ठीक, तो ये क्या आ गया दोस्तों 6/9। अब ये बिल्कुल आसान हो गया, 1-1-1 एक साथ ले लेंगे, क्लब कर लेंगे, 1+1+1 अप टू एन टर्म्स माइनस 0.1, ये जो लिखा हुआ है 0.1, ध्यान से देखो 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 अप टू एन टर्म्स। अब ये जो 1-1-1 है, तो वो तो मैंने लॉजिक आपको बता ही दिया कि ये 1-1-1-1 एन टाइम्स है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये एन बन जाएगा माइनस। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये एक जीपी है, इसको इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आएगा, तो 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, 0.1 है। तो ये एक जीपी बन गई। ये इसका क्या है, ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये कौन है, फर्स्ट टर्म। आर क्या चीज़ है, आर इस केस में होगा 0.1, 0.1 भी कह सकते हैं और आप 1/10 भी कह सकते हो, 0.1 इज सेम एज 1/10। तो इसमें क्या फार्मूला लगने वाला है आपका, आपका फार्मूला लगेगा a इंटू आर, इसमें 1 से छोटा है, तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, 1-r^n अपॉन 1-r, ये फार्मूला लगाएंगे और सम की वैल्यू लिखेंगे, तो ये हमारे पास सम आ जाएगा। देखिए 6/9 ब्रैकेट n माइनस a इज व्हाट, a देख लीजिए, a कितना है आपका 0.1 है, आप 0.1 लिखना चाहते हो 0.1 लिख दो, आप 1/10 लिखना चाहते हो, आप चाहते हो 1/10 लिखना है तो 1/10 भी लिख सकते हो, a इज व्हाट, दिस इज a, ये a है a, और 0.1 है a, a कितना है 0.1, या a को 1/10 भी लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया 1/10 ब्रैकेट 1-1/10^n अपॉन 1-1/10। अब 6/9 थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, अदरवाइज आपका आंसर आ चुका है n, और यहाँ पर माइनस 1/10, देखिए 1-1/10 हो जाएगा 9/10 ब्रैकेट 1-, इसमें आप एलसीएम लेने की जगह इसको 10 को ऊपर ले लें,
तो चाहे तो मैं अगली स्टेप में ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 10 to the power n, 1 to the power n इज 1, 10 to the power n इज 10 to the power n, 10 10 कैंसिल। अब आपके पास आया ये 6/9, और क्लियर लिख दूं तो यहां लिखता हूं मैं, बस आपका काम हो गया है दोस्तों, 6/9 ब्रैकेट n माइनस 1/9 ब्रैकेट 1 माइनस 10 to the power, ऊपर ले लें उसको तो वो माइनस n हो जाएगा आपका, और एलसीएम ले लें तो 6/9 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9n माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपका आंसर है। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो देता हूँ मैं आपको 0.3 वाला, 0.3+, ये आप होमवर्क है, आप ये सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, 0.33, 0.333 अप टू एन टर्म्स, और इसका सम आपको कंफ्यूजन ना हो मैं आंसर लिखता हूँ डायरेक्ट, इसका सम आएगा 1/3 ब्रैकेट 9n-1 +10 to the power -9, बिल्कुल इसी के जैसा चलता है, जैसा ये लिखा है वैसा ही 10 to the power -n है, एक्सट्रीमली सॉरी ये है। तो दोस्तों ये था, ये दोनों स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपने किए समझ में आए और आप इसे इन्हें आगे बढ़ाएं और दोस्तों तक पहुंचा दें, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें, मेरी बेस्ट विशेस हैं, विश यू ऑल द बेस्ट।